हेलो दोस्तों, कैसे हो। भूली बिसरी यादों की एक नई एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भूली बिसरी यादों की अब तक हमने 15 एपिसोड बनाए हैं। उन सब में जो कुछ भी दिखाया है, वो सारी चीजें, वो सारे खेल आपने बचपन में जरूर खेला और देखा होगा। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हर बार नई चीज दिखाएं, ताकि आपको वीडियो बोर ना लगे और वीडियो को देखकर आपको आपका बचपन याद आ जाए। और हाँ, आज की जो एपिसोड है उसमें भी आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी। जिन दोस्तों ने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे वो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने पिछली वीडियो में इसका नाम पूछा था, आप सब लोगों ने इसका नाम बिल्कुल सही बताया। जी हाँ, ये टिकटॉक है। दोस्तों, आपके लाइक्स और आपके कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में भी कमेंट करना न भूलें। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे चीज का नाम पूछने वाला हूँ जिसका नाम शायद ही आपको पता हो। और हाँ, जो 10 लोग सबसे पहले इसका नाम बताएंगे और इसका काम बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम सबके साथ शेयर किया जाएगा। और साथ ही ये भी लिख देना कि आप कहाँ से हो। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। एक बचपन का जमाना था। याद है आपको, ऐसे पेप्सी के ढक्कन के चिप से ऐसे चक्री बनाकर खेला करते थे, जिसमें दो छेद कर धागा डालकर घुमाने में बहुत मजा आता था। आपने भी खेला होगा। बचपन में सुना था, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। आपने भी सुना होगा, तो बताओ ये क्या है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। याद है आपको, जब आपके पास ऐसा कैमरा होता था तब आप कैमरे से फोटो नहीं खींचते थे, बल्कि फोटो देखते थे साइड में लगे बटन को घुमाकर। क्या आपके पास भी ऐसा कैमरा था, हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप भी 90s के किड्स हो जो खासकर गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने भी ऐसा कीड़ा देखा होगा जो गोबर का गोला बनाकर कुछ ऐसे ले जाते हैं, तो बताओ इस कीड़े का नाम क्या है। याद है आपको, हमारे टाइम की लव स्टोरी कुछ ऐसे हुआ करती थी, जब आपका दोस्त आपका लेटर लेके उस लड़की को देता था जिसे आप पसंद करते थे, और उसमें फालतू बात लिखा नहीं होता था, उसमें लिखा होता था कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, और लड़की कहती थी मैं सोचकर बताऊंगी, क्यों ऐसा हुआ है क्या आपके साथ। याद है आपको, जब आपकी क्लास में कोई नहीं होता था तब आप क्लास में कुछ ऐसे जीरो काटा खेलते थे। मैं तो हमेशा इस गेम में हार जाता था, पर इसको खेलने में बहुत मजा आता था। आज के टाइम में भले ही सबके पास फोन हो, पर एक टाइम था जब हम फोन में बात करने को तरसते थे। हमें पता नहीं था कि फोन में बात करना कैसा लगता है। क्या आपने भी ऐसे फोन से बात की है जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर बात होती थी। कुछ याद आया, जब आप ऐसे मिट्टी की गाड़ी बनाकर खेला करते थे। सच कहूं तो उस टाइम हमारे लिए यही सब कुछ था, और जब ये मिट्टी की गाड़ी टूट जाती तो हम बहुत रोया करते थे। याद है आपको, जब हमारे साइकिल में घंटी की जगह ऐसे हॉर्न लगाकर हम साइकिल चलाते थे, तब ऐसा लगता था कि बस हम ही हम हैं। हम साइकिल कम चलाते थे और हॉर्न वाला बटन ज्यादा दबाते थे, जिसमें कई तरह का साउंड निकलता था। क्या आपको याद है ये बंदूक, जो बहुत ही खतरनाक था, और अगर मैं इसकी गोली की बात करूँ तो 2.5 mm की गोली होती थी, जो इतना छोटा और कॉम्पैक्ट था कि आप इसको कहीं भी किसी भी मिशन के लिए लेकर जा सकते हो। तो आपके पास भी था क्या ऐसा गन, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने 90s में कुछ भी नहीं किया। जब गुब्बारा फूट जाता था तब हम फूटे हुए गुब्बारे को कुछ इस तरह फुलाकर खेला करते थे। क्यों, कुछ याद आया क्या। आजकल डिजिटल का जमाना है, फोन से लेकर सब कुछ डिजिटल है, पर अगर आप 90s के किड्स हैं तो आपने भी ये अंधा कानून वाला तराजू देखा होगा। क्यों, सही कहा ना। पहले के टाइम पे गम नहीं था, क्योंकि गम ऐसे डिब्बे और बोतल में आता था। क्या आपके पास भी ऐसे गम का डिब्बा था जो बिल्कुल नहीं चिपकता था। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ऐसे खिलौनों के साथ कौन कौन खेला है जिसको घुमाने पर ढोल की तरह बजा करता था। ये खिलौना मेले में मिला करता था, तो क्या आपने भी खेला है ऐसे खिलौने से। याद है आपको, ये अंकल जब हमारे स्कूल या गली में आते थे तब हम अंकल के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि इस कैंडी से तरह तरह की चीज बना देते थे, जैसे घड़ी, मोर और गले का हार। क्यों, सही कहा ना। और बाद में हम उसे खा भी लेते थे। ये मेरे सरकारी स्कूल का ड्रेस था, ब्लू शर्ट और खाकी पैंट। आपका क्या ड्रेस कोड था, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और क्या आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हो, हमें बताना ना भूलें। ऐसे एवरेडी का सेल देखकर सच्ची में एकदम बचपन याद आ गया। जब ये सेल खत्म हो जाता था तब हम धूप में रखकर इसको चार्ज करते थे, और फिर ये कुछ समय तक चल जाता था। क्या आपने भी ऐसा किया है। याद है आपको, ये स्कूल बैग की चिटकनी है, जब हमारे पास बैग का ऑप्शन नहीं होता था तब सबके पास कुछ ऐसा बैग हुआ करता था। क्या आपके पास भी ऐसा बैग था जिसमें ऐसे चिटकनी लगती थी। क्या आपको याद है, हम गेहूं और चने को ऐसे भूनकर खाते थे। सच्ची कहूं तो बहुत मजा आता था। ये हरकत खासकर उन दोस्तों ने किया होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं। क्यों, कुछ याद आया क्या।
इसको देखकर आज के बच्चे सोच रहे होंगे ये एक्सरा है, पर उनको क्या पता इसकी कीमत। तब आप फोटो अनलिमिटेड नहीं खींच सकते थे। इस रील में 32 फोटो आती थी, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 36 फोटो भी आप खींच सकते थे, पर इसकी कीमत सिर्फ 90s के किड से जान सकते हैं। चलो बताओ जाते जाते अगर आपको इस फल का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके लिए आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है। तो बताओ इसका नाम क्या है और ये किस चीज से बनता है। तो यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो कैसे लगे आपको भोली बिसरी यादों की ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हर बार की तरह इस वीडियो को भी अपने बचपन के 10 दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको उनका बचपन याद आ सके। और अगर आपके पास भी ऐसे 90s की फोटोज और वीडियोज हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल से जुड़कर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।